परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 254 इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को माया कहते हैं। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, इस समय ईश्वर भक्ति के विषय में कुछ कहूंगा। आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर माया के सृजनहार हैं। माया का अदल बदल होता है। ईश्वर की मौज से माया का नाश भी हो जाता है। माया ईश्वर की मौज से बनती है। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आवे उसे माया जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि गो गोचर जाय लगिमन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष हैं और मन जहां तक जाता है सबको माया ही माया जानो। अगर कोई इंद्रिय से जानने योग्य चीज है उसे यदि ईश्वर मानेंगे तो ईश्वर नहीं होगी, माया ही होगी। इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को माया कहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परमात्मा को जो परे से परे हैं देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सबके अंदर दो वस्तुएं हैं, एक ज्ञानमय तथा दूसरा अज्ञानमय। इन दोनों का मेल हो गया है, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। एक है जड़ शरीर और दूसरा है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ज्ञानमय है और जड़ शरीर अज्ञानमय है। ईश्वर के दर्शन में जड़ चेतन का यह मेल नहीं रह पाता, सारे संशयों का नाश हो जाता है, सारे कर्म फलों का बंधन टूट जाता है। यदि ऐसा हो तो जानो कि ईश्वर का दर्शन हुआ है। सारे संशयों का नाश और सभी कर्मों के बंधनों से छूट जाना कब होगा? जब ईश्वर का दर्शन होगा। आंख से देखने में जो आवे वह रूप है। कितना ही सुंदर वह दिव्य रूप हो वह माया ही माया है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शक्ति माता, भगवान शिव को लोग ईश्वर कहते हैं। इनके रूपों को जब ये सब प्रकट थे लोगों ने देखा, स्पर्श भी किया। महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़कर देखिए, अपने को भी आप समझिए। अपने शरीर को आप देख लेते हैं लेकिन अपने आप को जीवात्मा है उसको नहीं देख पाते। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर और जीवात्मा तत्वतः एक ही तत्व हैं। शरीर को भले ही लोग देखते हैं लेकिन शरीर निवासी जीवात्मा को कोई भी नहीं देख पाता।
सब इंद्रिय ज्ञान से परमात्मा परे है, आप अपने तई में भी इंद्रिय ज्ञान से ऊपर हैं। इंद्रिय ज्ञान में जो कुछ आने वाला है सब माया ही माया है, इस बात को नहीं जानने वाले औनाते फिरते हैं। सब कोई इसको जान लीजिए कि अपने तई से जो जाना जाए वह ईश्वर है, जो इंद्रियों से जाना जाए वह ईश्वर नहीं। अद्भुतता के कारण लोग रूप को ईश्वर मानने लगते हैं। रूप को ईश्वर मानने वाला का संशय दूर नहीं होता। अर्जुन को संशय था कि महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहिए या नहीं। अर्जुन को भगवान कृष्ण का दर्शन था लेकिन संशय दूर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण शरीर में कैसे आए सो भी लिखा है श्रीमद् भागवत में। भगवान वसुदेव जी के देह में आए, फिर देवकी जी के देह में आए। भगवान के शरीर को तो देखा लेकिन शरीर को धारण करने वाले को किसी ने नहीं देखा। भगवान के निज स्वरूप का दर्शन उनके शरीर के दर्शन से नहीं होता। शरीर दर्शन से परे उनके आत्म स्वरूप का दर्शन है। यह दर्शन कोई अपने आत्मज्ञान में रहकर ही पा सकता है। जब तक भक्त इंद्रिय ज्ञान में रहता है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं पाता है। जैसे दूध और मक्खन मथने पर अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपनी चेतन आत्मा को जड़ से अलग करके अपने तई में रहकर अपने को चिन्हेंगे तभी परमात्मा को भी चिन्हेंगे। आंख नहीं तब अपने तई को चिन्हे। जैसे आंख से आंख को देखते हैं आईने के माध्यम से, उसी तरह साधन रूपी आईने के द्वारा अपने तई से अपने स्वरूप को देख सकते हैं। भगवान के रूप को तथा रूप में रहने वाले को फुटाए बिना भक्त का काम नहीं चल सकता। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन आया, पांच स्थूल तत्व मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश, पांच सूक्ष्म तत्व गंध रूप रस स्पर्श और शब्द, अहंकार बुद्धि प्रकृति दशेंद्रिय हाथ पैर मुंह गुदा लिंग। ये पांच कर्मेंद्रियां आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां मन चैतन्य संघात कहे गए का संग रूप धृति धारण करने की शक्ति और इसके विकार इच्छा द्वेष सुख और दुख, इन 31 के समूह को क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को जानने वाले की जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तब जो दर्शन हुआ ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। इस दर्शन से माया की भक्ति हुई। कोई भी लोक ऐसा नहीं जहां जाकर माया से छूटे, ऐसी भक्ति हो कि माया के सब आवरणों से छूट जाए। इसके लिए ईश्वर स्वरूप को जानो। बिना ईश्वर स्वरूप को जाने भक्ति करनी उस मुसाफिर के समान है जो चला जा रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि कहां जाना है। आखिर वह घूमते ही रहेगा, इसलिए पहले ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। भक्ति का वर्णन संत लोगों ने अपनी अपनी वाणी में विलक्षण ढंग से लिखा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, शोक मोह भय हरस दिवस निसि देश काल तहां नाही, तुलसीदास से दशाहीन संशय निर्मूल न जाए।
यह भक्ति परा भक्ति है, यह अंत तक पहुंचाने की भक्ति है। एक वह भक्ति है जो मन में रहता है कि फलाने फलाने रूप में दर्शन दिया, किसी रूप के दर्शन से माया से छुट्टी नहीं होती। मनुष्य रूपा का जिस रूप का दर्शन हुआ उस रूप को देखकर उनके ऐसा पुत्र पाने का वरदान मांगा। जब त्रेता युग में राजा दशरथ के रूप में आए तो साधारण राजा की तरह शिकार का चस्का उनको लग गया। दिन रात शिकार करते थे, वे थकते नहीं थे संजोग से। एक रात को शिकार में गए कि हाथी को मारेंगे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी से पानी लाने गए। कमंडल में पानी भरते समय आवाज हुई, राजा दशरथ को हुआ कि हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द बेधी बाण चला दिया, बाण श्रवण को लगा, वह कराहने लगा। दशरथ जी दौड़कर उनके पास गए, देखा कि हाथी नहीं, यह तो आदमी है। श्रवण ने कहा, मुझे क्या देखते हैं, मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं, आप उनको पानी पिला दीजिए। दशरथ जी पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और पानी पीने के लिए देने लगे। वे लोग श्रवण की बहुत देर से आशा देख रहे थे। उन लोगों ने पूछा, बेटा बहुत देर हो गई पानी लाने में। दशरथ जी कुछ बोले नहीं। तब उन लोगों ने कहा कि यदि बोलोगे नहीं तो हम लोग पानी नहीं पिएंगे। लाचार दशरथ को कहना पड़ा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आपका पुत्र धोखे में मेरे बाण से मारा गया, मैं राजा दशरथ हूं। उन लोगों ने कहा कि जाओ, जिस तरह हम लोग अपने पुत्र के विरह में मर रहे हैं उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग के शोक में मरोगे, यह कथा प्रसिद्ध है। लोगों को विचारना चाहिए कि जिस दर्शन से कर्म के बंधन के अंदर नहीं आना पड़े और फाजिल चस्का नहीं हो, यह रूप दर्शन में नहीं होगा, यह होगा परमात्मा के दर्शन से। शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा परमात्मा का अंश है, अभिन्न अंश है। सबके अंदर अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण हैं। इन आवरणों से अपने को मुक्त करो, आवरणों के बंधन से मुक्त करने का ढंग यह है कि अपने मन को एकाग्र करो। मन की एकाग्रता में पूर्ण सिमटाव होगा। जब पूर्ण सिमटाव होगा तो मन की ऊर्ध्वगति होगी। यही हिकमत है। मन की एकाग्रता की जानकारी के लिए ही इस तरह का सत्संग है। सत्संग द्वारा जानने में आवेगा कि मन की एकाग्रता क्या है। सरलतम यत्न जो है सो भक्ति है। भक्ति में प्रेम चाहिए। प्रेम किससे चाहिए? परमात्मा में प्रेम करो। सत्संग के वचनों को सुनकर भी विश्वास होता है। हमारे यहां मंदिरों में दर्शनार्थ जाते हैं, भगवान को कभी देखा नहीं लेकिन सुनकर विश्वास हो गया, इतना भी विश्वास होता है तो उसमें मन उस ओर होता है। इस पर विश्वास होना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि सब लोग मारे गए, अब राज किसके लिए किया जाए। वे बहुत दुखी हुए। व्यासदेव जी ने सोचा इसका मन फिरे नहीं फिरेगा, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा तू यज्ञ कर। युधिष्ठिर ने कहा महाराज युद्ध में सब धन समाप्त हो गया, यज्ञ कैसे किया जाए। व्यास जी ने कहा कि पहाड़ में बहुत धन गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा वह धन कैसे मिलेगा, तो व्यास जी ने उसका अनुष्ठान बताया। युधिष्ठिर ने अनुष्ठान किया और उसको धन प्राप्त हुआ। इस कथा से यह बोध होता है कि व्यास जी के वचन पर युधिष्ठिर ने विश्वास किया तो धन मिला। इसलिए संतों
के वचनों पर भी विश्वास होना चाहिए। परमात्मा परमात्म रूप धन सारे प्रकृति मंडल में व्याप्त है और उससे बाहर भी है, लेकिन प्राप्त नहीं होता। इसके लिए यह ज्ञान जानो कि परमात्मा इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। जब जागृत से स्वप्न में और स्वप्न से सुसुप्ति में जाते हैं तो अपने बाहर के ज्ञान से छूटते हैं। उसी तरह इंद्रियों के ज्ञान से छूटने के लिए अपने अंदर जाओ, अर्थात अंतः साधना करो। इसकी विधि जानने के लिए सच्चे गुरु के पास जाओ। लोग कहते हैं जिसको देखा नहीं उसमें प्रेम कैसे होगा। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि जानना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति में मुक्ति होगी और सदा सुख में रहेंगे। यह जानने पर ईश्वर में प्रेम होता है। पहले यह जानना कि इंद्रियों के ज्ञान से अपने को ऊपर उठाओ, पहले मन को ऊपर उठाओ, मन को पूर्ण रूप से समेटो, पूर्ण सिमटाओ। एक बिंदुता में होती है, परिमाण सुन बिंदु बाहर में बनने योग नहीं। केवल वह ज्ञान में आता है। आपकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। लिखते समय जहां आप कलम रखते हैं वहां चिन्ह हो जाता है, उसी तरह से आप जहां दृष्टि ठहराएंगे वहां बिंदु होगा। उस बिंदु पर पूर्ण सिमटाव होता है, वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद अध्याय एक। हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। चाहिए कि इसके भेद को जाने। सफरी सबसे छोटी मछली होती है, वह नदी में भाटे से सिरे की ओर आसानी से चली जाती है, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी देह वाला हाथी भाटे से सिरे की ओर नहीं जा सकता। आपके शरीर में चेतन धार ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसको जो समेटता है वही योगी होता है, उसी को ईश्वर का दर्शन होता है। जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में रहेगा और उसका भी अंत जो करेगा वह योगी हरिपद को जानेगा। वह शोक मोह भय और हर्ष दिन रात आदि से परे हो जाएगा। जिसको ऐसा नहीं हुआ वह इंद्रियों से नहीं छूटेगा। वह इंद्रियों को काबू में कैसे रख सकता है? बाहर इंद्रियों के साथ साथ मन की धारें भी रहती हैं और मन की धारें के साथ साथ चेतन की धारें रहती हैं। जैसे आप अपने दोनों हाथों से किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं तो आपके शरीर की सारी शक्ति पर हाथ पर आ जाती है। उसी तरह दृष्टि की धारें भी जब एक बिंदु पर स्थिर होती है तभी इंद्रियों से चेतन धारें सिमट कर एक हो जाती हैं। यह तो आरंभ हुआ ऊपर उठने के लिए। इसमें योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले मानस जप करना चाहिए। जप करते करते मूर्ति ध्यान करने की क्षमता आती है। माया के सारे आवरणों को टपने के लिए सुरत शब्द योग की साधना है। इसी को पराभक्ति कहते हैं। संत सुंदर दास जी ने कहा कि श्रवण बिना धुन सुनाए, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजाबे, अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नबे जहां सेवको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा। परा भक्ति सुंदर कहे, यही भक्ति का अंत है। अंत तक की भक्ति में मुक्ति है, अन्य भक्ति में मुक्ति बाकी रह जाती है। इसलिए ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसमें मुक्ति होती है। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन
पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम भवानीपुर राजधाम के सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 26/12/1966 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।